नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल ने बुधवार को आयोजित पत्र परिषद में साइबर क्राइम पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। नागपुर शहर में साइबर क्राइम के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस मामले पर क्या काम करी है, इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल ने दी। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के मामलों में लोगों में जन जागृति आवश्यक है। पुलिस विभाग की ओर से स्कूल और कॉलेजों में जन जागृति की जाती है। अब स्कूल और कॉलेजेस बंद है तो विभाग की ओर से सोशल मीडिया द्वारा जन जागृति की जा रही है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तो हम अवेयरनेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और अवेयरनेस में अभी क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं तो इसलिए नहीं, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास में, लोगों के पास में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा लोगों का क्या अधिकार है, तो इसमें जो है एक सेंट्रल पोर्टल भी है, आप उसके ऊपर इमिजिएटली भेज सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोई बैंक फ्रॉड हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये नॉलेज नहीं है लोगों को, इस नॉलेज के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये कहीं भी बैठ के हो सकता है गुना, तो इसलिए हमने जो हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको सख्त सूचना दी है कि आपके पास में जब भी गुना आए तो आपको रजिस्टर करना है, तो वो हमने यहाँ पे बताया है। इसके अलावा अगर पुलिस स्टेशन में भी कोई आती है सूचना, तो उनका और साइबर पुलिस स्टेशन का कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे जो अपग्रेडेशन होना चाहिए स्टाफ का, क्योंकि हमारे DCP क्राइम जो है वो ही देख रहे हैं इसको, तो वहाँ पे अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग हम लोग जो है वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें हमारी भी अपग्रेडेशन और पब्लिक को भी उसके किस तरह गुने हो रहे हैं इसके बारे में हम रेगुलरली देख रहे हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो रेगुलरली हम उसको बता रहे हैं, और ताकि लोगों तक पहुँचें कि आपके साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको किस तरह से सावधान रहने की जरूरत। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।